राम जय श्री महाकाल तो भैया आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमको रोटावेटर खरीदना चाहिए या जायरो तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारा मॉडल जो है जायरो है रोटावेटर नहीं है ये और हमने जायरो क्यों खरीदा क्योंकि मैंने दोनों चला के देखे हैं पहले शक्तिमान का रोटावेटर भी चला के देखा है मेशो का जायरोवेटर भी चला के देखा था लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा और अगर बात करें अपन कि आपको जायरोवेटर क्यों खरीदना चाहिए और रोटावेटर क्यों ख़रीदना चाहिए तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपको जायरोवेटर क्यों खरीदना चाहिए तो भैया अगर बात की जाए कि अगर मान लो आपके इधर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है और आपके इधर मतलब ज़्यादा मिट्टी बारिक नहीं होती है रोटावेटर से और काली मिट्टी हार्ड वाली और आपके इधर इस तरह के जो हेवी स्टोन हैं पक्के वाले जो पत्थर होते हैं इस तरह के पत्थर का अगर आपके इधर बिल्कुल भी नहीं है तो आपको जो है ज़ायरो बे, जायरोवेटर लेना चाहिए क्योंकि जायरोवेटर में क्या होता है कि रोटावेटर की अपेक्षा मिट्टी ज़्यादा बारीक करता है हार्ड मिट्टी में भी अच्छी मिट्टी बारीक कर देता है बड़े गेयर में भी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका रोटावेटर जैसा काम लोग के दूसरे गियर में कर रहा है वैसा ही काम ये लोग के थर्ड गियर में कर देगा मतलब आपको जो है कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा और मिट्टी भी अच्छे से बारीक कर देगा फिर अगर बात करें अपन की आपको रोटावेटर क्यों लेना चाहिए तो भैया अगर आपके इधर मान लो मिट्टी एकदम मुलायम है वैसे ही पत्थर वगैरह ज़्यादा नहीं बनते हैं और ऐसे बड़े पत्थर अगर ज़्यादा हैं आपके इधर ये वाले पत्थर ऐसे बड़े पत्थर ज़्यादा होते हैं हेवी स्टोन तो आपको जो है फिर रोटावेटर लेना चाहिए क्योंकि रोटावेटर में क्या होता है कि उसमें ब्लेड कम होती है ब्लेड उसमें होती है यह मान के चलो इसमें साठ ब्लेड है तो उसमें बावन ब्लेड के आसपास आएगी अड़तालीस ब्लेड या बावन ब्लेड के आसपास तो उसमें क्या होगा कि पत्थर जो ऐसे हेवी स्टोन आएंगे उसमें जो है आपका रोटावेटर ऐसे उचक उचकेगा नहीं बिल्कुल भी मतलब एक जैसा चलेगा ठीक है बाकी अगर बात करें अपन की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जायरोवेटर कटिंग कम करता है रोटावेटर कटिंग ज़्यादा करता है तो ऐसा कुछ नहीं है भैया रोटावेटर और जायरोवेटर दोनों एक जैसी कटिंग करते हैं बाकी अगर आप गहराई भी अगर मान लो रोटावेटर से करेंगे जैसे हमने वीडियो बनाए पिछले तो उसमें देखना हमारे जायरोवेटर से डायरेक्ट हमने डायरेक्ट जायरोवेटर ही किया खेत में और अच्छी खासी कटिंग हमको मिल गई है तो कटिंग का जो मैटर होता है सीधे सीधे जो साइड में हेल्पर दिए होते हैं साइड में ये वाले ये हेल्पर अगर ऊपर उठा देंगे ज़्यादा कटिंग करेगा नीचे बिठा देंगे तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा तो कुल मिला ये मैटर होता है बाकी मिट्टी अगर हार्ड है तो आपको जायरोवेटर ही लेना चाहिए क्योंकि जहां आपका खेत एक घंटे में मान लो दो बीघा रोटावेटर करता है उसी खेत में जो है आप एक घंटे में तीन बीघा जायरोवेटर से उतनी मिट्टी बारी कर पाएंगे और उतने ही डीजल में तो भाइयों अगर आपको मन में फिर भी कुछ अगर सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई कुछ दिक्कत हो तो बाकी अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमने ये जायरोवेटर ही क्यों खरीदा क्योंकि उसमें कुछ हमने टेस्ट करके देखे थे जिसमें कि जायरोवेटर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो पूरी कहानी विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताऊँगा ठीक है भाइयों जब तक के लिए जय जवान जय किसान